आई एम मोहम्मद असरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। आज हम देखेंगे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग का ये पार्ट बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिज़नेस में अलग अलग किस्म के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें जेड से लिखना है आपको, तकरीबन बहुत सारी जगह पर एस से भी आ सकता है। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ये आपको इस तरह से तीन उसके अंदर कंसेप्ट आपको क्लियर करने रहेंगे। यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिज़नेस में एक्टिविटीज़ के जो नेचर है एक हिसाब से बिज़नेसेस के, तो उसमें तीन तरह के हैं। एक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगला है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विसेस आएंगी, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रेडिंग हम करेंगे, यानी रिपैक कर कर बेचना किसी दूसरे का सामान। और अगला जो है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीन तरह के इसमें ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जिसमें से जो बिज़नेस लीगल डिस्क्रिप्शन होगा ये बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या लिमिटेड कंपनी, ये डिस्कशन एक लीगल इंट्रीज इसके अंदर समझ में आएंगे, ये एक अलग पार्ट है। लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में क्या होगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कि सर्विसेज रहेंगे, यानी कि आपको अगर कोई किसी के वास्ते किसी के दूसरे के लिए काम करके देना है तो वर्क डन फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काम होगा वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग, जैसे कि बहुत सारे लोग उससे बिज़नेस करते हैं, यानी ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडिंग करना कि किसी एक वेबसाइट है वहाँ पर से एक ने दूसरी वेबसाइट तैयार किया है जहाँ पर उसने कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं और उसका अलग से उसने रजिस्ट्रेशन बनाकर रखा है कि रीपैक करने का लाइसेंस, तो वो वहाँ से सामान लेगा और उसका लेबल उसका लगाकर कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो इसमें यह रहेगा कि उसको ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्विसेज की ज़्यादा मसला नहीं रहेगा कि सर्विसेज देने का, बस इतना रहेगा कि वो ट्रेडिंग करेगा, एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह पर रिपैक करके सेल कर देगा, तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। इसमें भी बहुत सारा लोग बिज़नेस करते हैं और अच्छा इनकम कमाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी कि प्रोडक्ट्स की बनाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर मशीनरीज लगेंगी, वर्कर लगेंगे, लेबर्स लगेंगे, ये सारा रहेगा। तो अब यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेडिंग का और मैन्युफैक्चरिंग का ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि और कौन कौन से किस्म के बिजनेसेस होते हैं। तो बिजनेसेस में अलग अलग कैटेगरीज आती है, जैसे कि एक होता है बी टू बी बिज़नेस, यानी कि क्या होगा कि बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी एक बिज़नेस वाला दूसरे बिज़नेस वाले को सामान भेजेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये पेन है, पेन बनाने वाला अगर है, तो जो पेन मैन्युफैक्चर करेगा उसके लिए प्लास्टिक उसको चाहिए, उसके लिए इंक उसको चाहिए, तो इंक बनाना और प्लास्टिक ये सारा बिज़नेस वाला वो ख़रीदेगा प्लास्टिक, तो वो सेल कर रहा है कस्टमर को पेन, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ रही है कुछ ख़रीदने की प्लास्टिक और इंक, वो ख़रीद रहा है दूसरे बिज़नेस वाले से कि बल्क में प्लास्टिक, वो एक दो पीस का नहीं लेकर आएगा बल्क में, तो बल्क क्वान्टिटी में बिज़नेस टू बिज़नेस डीलिंग करके। इसकी अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो इंडिया मार्ट वगैरह इस तरह से जो वेबसाइट्स होते हैं, इंडिया मार्ट, ये वेबसाइट्स वगैरह जो है इस पर बिज़नेस वाले डीलर्स वगैरह बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा बी टू सी एक कंसेप्ट है, बी टू सी यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर या बिज़नेस टू कस्टमर, यानी ये बिज़नेस, यानी कि आपको अगर पेन चाहिए आप जाएंगे स्टेशनरी पर, वो बिज़नेस वाला है, बिज़नेस वाला आपको कस्टमर को सेल करेगा, तो बिज़नेस टू कस्टमर, जैसे कि अमेज़ॉन है, ऑनलाइन अगर बात करें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट,
और उसी तरह से अगर हम सी टू सी की अगर बात करें, सी टू सी यानी कस्टमर टू कस्टमर, यानी ये पेन आपने ले लिया था, अगर आपने यूज़ किया 10 दिन, आपने कहा कि अब ये मैं किसी और को बेच देता हूँ कुछ 10-20 रुपये कम करके, तो आपने 50 का पेन लिया था, आप उसे 30 में बेचना चाह रहे, तो आप उसे कस्टमर से बेचेंगे, कस्टमर वो शॉप पर ले जाकर नहीं बेचना रहेगा आपको, आपको कस्टमर को देना रहेगा और कस्टमर तो उसे कम प्राइस मिलेगा। तो उसकी अगर ऑनलाइन अगर बात करें तो OLX की वेबसाइट जो है OLX क्विकर, उस पर लोग अपने चीज़ें जो यूज़ की हुई होती है सेकेंड हैंड वो सेल कर सकते हैं। तो सी टू सी की ये टाइप कस्टमर टू कस्टमर। और ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्म आया है, कभी कभार ऑनलाइन कामों में भी उसका टॉप लेवल डोमेन लगेगा .org यानी .organization उसका फुल फॉर्म रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड रहेगा। .com भी आता है जैसे कि कमर्शियल, .in इंडिया का, तो ऐसे अलग अलग एक्सटेंड जो लगेंगे उसके साथ में टॉप लेवल डोमेन्स, तो इस तरह से रहेंगे। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट इस तरह से था कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज रहेंगे, यानी इसमें फिजिकल फॉर्मेट नहीं रहेगा, कि जैसे पेन है, पेन ये हम इसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, टेंजिबल है। दो टर्म होते हैं बिजनेस में, एक टेंजिबल अकाउंटिंग में टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो टेंजिबल यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स अकाउंटिंग में टेंजिबल कहलाएंगे। और इनटेंजिबल यानी कि जिसके इमेजिनरी जो है वर्चुअल, यानी कि अगर किसी का गुडविल, गुडविल गुडविल यानी कि फेम वगैरह नाम, जैसे कि अगर कोई कंपनी है उसका ब्रांड बन गया हो, तो ब्रांड जो है तो दिखेगा नहीं, उसको हम देख नहीं सकेंगे कैसा ब्रांड दिख रहा है, उसे सॉफ्ट है, स्मूथ है, सॉलिड है, वो नहीं चेक कर सकेंगे। तो ये हो गया इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल असेट्स में ये रहेंगे। तो ये सर्विसेज जो है तो एक हिसाब से इनटेंजिबल टाइप में रहेंगे, कि जिसमें वर्क डन होगा दूसरों के लिए एक पेमेंट या प्राइस के बदले में। और मैन्युफैक्चरिंग में फिजिकल फॉर्मेट ऑफ गुड्स रहेगा जो भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे। ट्रेडिंग में एक जगह से उठाकर सामान दूसरे को देना। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सारा अच्छे से क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। थैंक यू।